हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। और आपको पता ही होगा कि ये क्या है। ये है हरी धनिया के पत्ते, जैसे कि इसे कोथिंबीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इससे एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे। और अब मैं इसे धो ले रही हूँ अच्छे से। और एक रेसिपी मतलब क्या, आज हम हरे धनिया के पत्तों की पराठे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब पहले ही यूट्यूबर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर जैसे कि धनिया लिया था मेरे मम्मी ने और बहुत सारा धनिया लिया था, पर ये अब ये पत्ते सूख रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तो इसका कुछ तो बनाया जाए। इसलिए मैंने पराठे बनाने का डिसीजन लिया है। जो कि पराठे कैसे बनाते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है इसके पराठे कोई किसी कप, मतलब मैंने देखा ही नहीं है। तो मैं ये खुद से पहली बार बना रही हूँ और मैं बाद में चेक करूँगी कि यूट्यूब पर कि इसके पराठे है या नहीं। पर जब मैं बना रही थी तब मुझे पता नहीं था, बस मैं अपने आप से, क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ, ये जो प्याज दिख रहे हैं ना आपको, प्याज के पराठे बनाकर खाती हूँ। तो मैंने क्या सोचा, प्याज के साथ साथ ये जो हरी धनिया है वो मिक्स करेंगे तो हरी धनिया के भी पराठे बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें नमक, लाल मिर्च, जो भी हमें डालना है वो डाल सकते हैं। और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करके हमें क्या करना है, तुरंत जो पराठे हैं वो बनाने के लिए लेना है। वह मैंने क्या किया था, इसे ऐसे रख दिया था और जो क्या बोलते हैं गेहूं का आटा है ना, उसे गूंदने बैठ गई थी। तो जो नमक डालने की वजह से इसमें जो पानी है वो इसका जो पानी बन गया था, तो इसकी वजह से जब हम बेलन से इसे ये बेलेंगे ना तब वो क्या करेगा, इससे जो है बाहर निकल के आ रहा था पानी। इसलिए बोल रही हूँ कि तुरंत हमें इसे बनाने के लिए लेना है। और मैंने इस आटे में अभी आपने देखा मैंने ये डाला है, तिल डाला है, तिल के दाने, क्योंकि वो अच्छे लगेंगे, दिखने में भी अच्छा रहेगा। इसलिए तो इसे अच्छे से अब मैं, मेरी मॉम मुझे आटा गूंद कर दे रही है, वो आप देख सकते हैं आटा रेडी है। अब मैं पराठे बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बना भी लिया। और क्योंकि मैं बनाते वक्त नहीं आपको दिखा सकती क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो मेरा मोबाइल फिर कौन करेगा। मैं इस तरीके से बना बना कर छोटे छोटे जो क्लिप्स है वो ले रही थी। इस तरीके से हमें बेल कर हमारा जो पराठा है रेडी है। और पराठा में बनाते बनाते जितने भी मैंने पराठे बनाए ना सब गायब हो गए, और ये आखिरी पराठा बचा जो कि मुझे वीडियो करने के लिए मिला, वो भी मैंने गुस्से से भी ये किया कि एक तो पराठा रखूँ कि मुझे लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि मैं जैसे ही बना रही थी ये लोग खा रहे थे, जैसे ही बना रही थी ये लोग खा रहे थे, तो कुछ बच नहीं रहा था। तो इसी तरीके से हमें ये जो पराठा है बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही टेस्टी। और इस तरीके से हम इसे कर्ड के साथ, केचप के साथ, या अचार के साथ, बटर के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप बच्चों को भी एक बार बनाकर ज़रूर खिलाएं। तो फिर अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।